एक श्रीरामपुर नाम के गांव में विश्वास नाम का टीचर रहा करता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम था सुशील और दूसरे का नाम सुहास। दोनों भी अब बड़े हो गए थे। उनकी माँ दिन भर घर के काम करके बच्चों की तरफ ध्यान दिया करती थी। एक दिन शीला नदी पर कपड़े धोने के लिए जाती है, तभी वहाँ पैर फिसलने की वजह से गिर के शीला की कमर में मोच आ जाती है। उससे उठकर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। एक दिन शीला अपने पति से, अजी मैं सोच रही हूँ कि सुशील की शादी कर दी जाए, इससे घर को संभालने के लिए कोई आ जाएगी। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो, मगर इस बारे में मुझे सुशील से बात करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी सुशील घर आता है। सुशील अपनी माँ से, क्या बातें शुरू थी मेरे बारे में, मैं आया तो अचानक बंद हो गई। सुशील बेटा, अब तुम्हारी माँ से घर का काम नहीं होता और अब तुम्हारी शादी की भी उम्र हो गई है, तो क्यों ना तुम शादी कर लो। जैसा आप ठीक समझो पिताजी, आपने सोचा है तो ठीक ही होगा। ऐसा कहकर विश्वास भी उसके काम पर लग जाता है। कुछ दिनों बाद विश्वास एक अच्छी लड़की ढूंढकर उससे सुशील की शादी करवा देता है। सुशील और सुहानी बहुत खुश रहा करते थे, उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। दो महीनों बाद मास्टर विश्वास रिटायर्ड हो गए थे, अब वो दिन भर घर पर ही रहा करते थे। शीला और विश्वास दिन भर बातें करते और अपने नए बहू के साथ अपना समय बिताते थे। एक दिन विश्वास को हार्ट अटैक आकर उनकी मौत हो जाती है। उनके बाद घर में बड़ा बेटा सुशील और छोटा बेटा सुहास अपनी माँ के साथ रहा करते थे। अब सुशील की पत्नी सुहानी कोई भी काम ढंग से ना हो तो सास और देवर को बोल लगाया करती थी। एक दिन बहुत सारा खाना घर में बच जाता है। सास ने खाने से मना कर दिया, तब सुहानी ने, बहू मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ, यहाँ कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। भाभी, माँ को कुछ मत कहो, वह खाना कल का है, उसकी तबीयत के लिए वह ठीक नहीं है। अरे यहाँ क्या सब फोकट में आता है, तुम्हें क्या मेहनत करनी पड़ती है। हाँ भाभी, ये सब पता है, मगर मेरी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं भी काम करूँगा, तो आपको ये बोलने की नौबत नहीं आएगी। तेवर तो देखो मुझसे आवाज ऊपर करके बात करते हैं। तुम रुको, मैं तुम्हारे भैया से बात करके इस समस्या का समाधान निकालती हूँ। मैं ये हर रोज के किटकिट से परेशान हो गई हूँ। सुहानी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो अपने पति से घर के बंटवारे के बारे में बोलती है। अजी मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे मेरे हक का घर चाहिए। अरे सुहानी, तुम्हें आज अचानक क्या हो गया है? कुछ हुआ होगा तो बैठकर समस्या का हल निकालते है। मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस घर में नहीं रहना, आप सोच लो आपको क्या करना है। अब सुशील अपनी माँ के साथ बात करने चला जाता है। अरे बेटे, आज तुम्हें कुछ काम है क्या? तुम कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हो। हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा हिस्सा लेकर अलग हो जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी और सुहानी की हर रोज की नोकझोंक मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मगर भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम एक साथ रहे ये हमारे माँ पिताजी का सपना था। हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो, हम हमारी जायदाद के समान हिस्से कर देंगे, तुम तुम्हारा हिस्सा लेकर सुहानी के साथ खुश रहो। माँ, मैं जमीन में से 2 एकड़ जमीन ले लेता हूँ, बाकी की 3 एकड़ जमीन में सुहास को दे देता हूँ। ठीक है भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तुम्हारा निर्णय मंजूर है। बेटा तुमने सब तय कर ही लिया है तो यही ठीक होगा कि हम दोनों इसमें ना बोले। माँ, मैं कल ही हमारी दुकान का काम कर लूंगा और वहाँ रहने के लिए चला जाऊंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। ऐसा कहकर सुशील वहाँ से चला जाता है। माँ और सुहास को बहुत दुख होता है कि सुशील उनसे ऐसी बातें कर रहा था। कुछ दिनों बाद सुशील अपने दुकान का काम पूरा करके वहाँ ही घर बनवा लेता है। दोनों भी वहाँ रहने के लिए चले जाते हैं। अब वो दोनों चले जाने के बाद शीला सुहास से, बेटा मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम काम पर ध्यान दो और साथ में तुम खेती भी कर सकते हो। मगर माँ, उस खेती में आज तक कुछ आया नहीं, तो अब क्या आएगा? तुम प्रयत्न करके तो देखो, तुम्हारे परिश्रम जाया नहीं जाएंगे, तुम मेहनत तो करो बेटा। माँ तुम कह रही हो तो मैं प्रयत्न करके देख लेता हूँ। अगले दिन से सुहास अपने खेत में काम करने चला जाता है। सालों से बंजर पड़ी हुई जमीन उपजाऊ बनाने के लिए उसको बहुत मेहनत लगती है। सुहास हार ना मानकर बहुत मेहनत करता है और उस खेत में गेहूं के बीज लगाता है। उस खेत में सुहास दिन रात मेहनत करके गेहूं का अच्छा उत्पादन लेता है। सुहास अपना गेहूं बाजार में बेचने चला जाता है और तभी सुहास व्यापारी से बात करता है। रामदास सेठ, मैंने इस साल में खेत में गेहूं का उत्पादन किया है, क्या आप मेरे गेहूं खरीदेंगे? हाँ खरीदूंगा, मगर मुझे गेहूं कैसा है यह देखना पड़ेगा। सुहास के लायक गेहूं उन्हें देखते ही पसंद आ जाते हैं।
अरे सुहास, तुम्हारे गेहूँ बहुत अच्छे हैं, मैं इनके अच्छे दाम दूंगा, मगर सारे गेहूँ के बीच मुझे ही बेचना होगा, तो ही मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। जी सेठ जी, मैं आपको ही मेरे गेहूँ के बीज बेचूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सुहास वहाँ से अपनी दो गोरी गेहूँ के बीज सेठ को बेचकर वहाँ से चला जाता है। सुहास इस साल के पूरे गेहूँ के बीज उस सेठ को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है और अपनी मेहनत शुरू रखता है। अब वो कुछ दिनों में अच्छा कमाने के कारण अपना खुद का घर और खेती बढ़ा लेता है। इधर सुशील गांव में दुकान में अच्छा घर बनाकर रहने लगता है, लेकिन उसका धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, उसी के कारण वो बहुत परेशान रहने लगा था। तभी उसे पता चलता है कि सुहास ने खेती करके बहुत तरक्की कर ली है और वो घर जाकर, सुहानी तुम्हें पता है सुहास का कारोबार बहुत बड़ा हो गया है, क्यों ना हम सुहास से मदद मांगते हैं। तुम कह रहे हो तो हम मांगेंगे उनसे मदद, मगर क्या वो हमें मदद करेंगे? हाँ क्यों नहीं, वो मेरा भाई है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। सुशील सुहानी के साथ सुहास के घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अरे भैया तुम यहाँ आओ ना। आज कैसे आना हुआ बेटा? माँ मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है, हम दोनों को माफ कर दो। हाँ माँ मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमको एहसास हो गया है यही बहुत है मेरे लिए। अब हम साथ साथ रहेंगे, आपको कोई आपत्ति नहीं है ना भाभी? नहीं सुहास, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम अब साथ साथ रहेंगे और मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर सुहास और सुशील मन के सारे गिले शिकवे मिटाकर फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अब उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाता है। घमंडी पेड़। एक जंगल में एक सेब का पेड़ था। वो पेड़ बहुत ही घमंडी था, वो किसी को भी अपनी डाली पर बैठने नहीं देता था। ठीक उसके सामने एक आम का पेड़ था जो बहुत दिलदार था, उसे सबकी बहुत परवाह थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल से गुजर रहा था। वो चलते चलते बहुत थक गया और सेब के पेड़ की छांव में बैठ गया। ए, उठो यहाँ से। ए, सेब के पेड़, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, मैं आराम करके निकल जाऊंगा। नहीं, तुम अभी उठो और निकल जाओ यहाँ से, जाके दूसरे पेड़ के नीचे आराम करो। फिर भी वो बूढ़ा आदमी पेड़ की बात नहीं मानता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुस्से में आकर सेब का पेड़ उस बूढ़े आदमी के ऊपर अपने सेब गिराने लगता है। ये तुमने क्या किया, एक ना एक दिन तुम्हारा घमंड जरूर उतरेगा। ये सब पास ही खड़ा आम का पेड़ देखता है और बूढ़े आदमी को कहता है, अरे अरे आप चिंता मत करिए, यहाँ आइए मेरी डालियों की छाव में। शुक्रिया, लेकिन अभी बहुत वक्त भी हुआ है और मुझे घर भी जाना है। वो बूढ़ा आदमी वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वहाँ से एक बंदरों की टोली जा रही थी। वो बंदर रहने के लिए पेड़ ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नजर उस सेब के पेड़ पे पड़ती है। अरे वो देखो, वो सेब का पेड़ कितना बड़ा है और उसकी डालियाँ भी बहुत बड़ी है, क्यों ना हम इसी सेब के पेड़ को अपना घर बना ले। हाँ हाँ ये बहुत बड़ा है, चलो हम उस सेब के पेड़ से जाकर पूछते हैं। बंदरों की टोली सेब के पेड़ के पास जा पहुँची। सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। बंदरों की टोली सेब के पेड़ से बहुत विनती करती है, फिर भी सेब का पेड़ नहीं मानता। बंदरों को सामने एक आम का पेड़ दिखाई देता है, फिर वो उसके पास जाते हैं। सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। बंदरों की टोली खुश हो गई और उस आम के पेड़ पर रहने लगी। बंदरों को रोज ताजे ताजे आम भी खाने मिल रहे थे, ऐसा रोजाना चलने लगा। एक दिन कुछ लकड़हारे जंगल में पेड़ काटने आते हैं। उनकी नजर आम के पेड़ पे पड़ती है। अरे वो देखो, वो आम का पेड़ कितना बड़ा है, इसे बेचकर हम बहुत पैसे कमाएंगे। लकड़हारे आम के पेड़ के पास जाते हैं। उन्हें उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर दिखाई देते हैं। अरे ये क्या, इस पेड़ पर तो बहुत सारे बंदर हैं, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। तभी एक लकड़हारे की नजर उस सेब के पेड़ पर पड़ती है।
अरे वो देखो, सामने एक बड़ा सेब का पेड़ है, चलो हम उसे काटते हैं। लकड़हारे सेब के पेड़ को काटने लगते हैं। ये देख, सेब का पेड़ अपने बचाव में उन पर सेब गिराने लगता है, फिर भी लकड़हारे नहीं रुकते। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। अरे तुम्हें उस सेब के पेड़ को बचाना चाहिए, जाओ उसकी मदद करो। नहीं, हम नहीं करेंगे उसकी मदद, वो बहुत बुरा और घमंडी है। अरे नहीं दोस्तों, ऐसा मत बोलो, फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह गया। ठीक है, हम उसे बचाते हैं। सारे बंदर सेब के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। रुको लकड़हारे, पेड़ को तोड़ना बंद करो। नहीं, हमें ये पेड़ तोड़ना है, तुम जाओ अपना काम करो। तभी सारे बंदर गुस्सा होकर सेब निकाल कर लकड़हारे को मारने लगे। अरे अरे, ये बंदर हमारी जान ले लेंगे, भागो यहाँ से। शुक्रिया दोस्तों, तुम कितने अच्छे हो, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रहने दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आज से तुम यहाँ रह सकते हो और मेरे फल भी खा सकते हो। शुक्रिया बोलना है तो उस आम के पेड़ को बोलो, उसने हमें तुम्हारी मदद करने के लिए मनाया, नहीं तो हम तुम्हारी कभी मदद नहीं करते, क्योंकि तुम्हें घमंड ही इतना है। अब बंदरों की टोली दोनों पेड़ों पर खुशी खुशी रहने लगी, सेब का पेड़ भी सभी को आसरा देने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। सुंदरपुर नाम के गांव में राधा नाम की औरत अपने बेटे सूरज के साथ रहा करती थी। उसके पति हाल ही में गुजर जाने की वजह से उसके परिवार को आधार देने वाला कोई नहीं था, इसीलिए राधा हमेशा कुछ न कुछ काम की तलाश में रहती थी। ऐसे ही एक दिन राधा ने अपने घर का काम खत्म किया और काम की तलाश में घर के बाहर निकल पड़ी। उनके गाँव में एक हलवाई की दुकान थी, राधा उस दुकान में गई। नमस्ते भाई साहब, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं बहन, मेरे यहाँ फिलहाल तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। भाई साहब, आप मुझे बर्तन मांजने बोलोगे तो भी मैं कर दूंगी। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मगर मेरे यहाँ कुछ काम ही नहीं है। तुम चाहो तो शहर जाकर मेरे भाई के दुकान में काम कर सकती हो, मैं उससे बात करूंगा, वो तुम्हें काम पर रख लेगा। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर जाना कौन से शहर है? अरे बहन, हमारे गाँव के नजदीक है ना, किशनगढ़, वही शहर। मैं तुम्हें उसके दुकान का पता देता हूँ। ठीक है भाई साहब। राधा वहां से चली जाती है। अगले दिन राधा और सूरज किशनगढ़ के लिए रवाना होते हैं। वहां पहुंचकर राधा दिए हुए पते पर पहुंच जाती है और वहां जाकर, नमस्ते भाई साहब, मैं सुंदरपुर से आई हूँ, भाई साहब ने मुझे आपके यहाँ काम के लिए भेजा है। हाँ हाँ बहन, आओ, तुम्हें यहाँ कुछ बर्तन साफ करने होंगे, खाना वगैरह यही मिलेगा और महीने की 3,000 तनख्वाह दूंगा, चलेगा ना? हाँ भाई साहब चलेगा, मैं काम पर कब आ सकती हूँ? कल से आ जाना बहन, ठीक है, आज रहने का बंदोबस्त कर लो। जी भाई साहब। ऐसा बोलकर राधा वहां से चली जाती है। तभी सूरज उससे पूछता है, माँ अब हम कहाँ रहेंगे? देखते हैं बेटा, कोई किराए का मकान ढूंढते हैं। मगर उस दिन उन्हें कोई मकान किराए पर नहीं मिलता, वो दोनों पूरी रात सड़क पर ही गुजारते हैं। सुबह होते ही जल्द ही दोनों माँ बेटे उठकर दुकान में चले जाते हैं। कुछ देर बाद दुकान का मालिक राघव वहां आता है और राधा को इतने जल्दी आया हुआ देख, अरे राधा बहन, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आई हो? भाई साहब जल्दी उठकर यहाँ चली आई। और ये सामान? वो कल रात हमें कोई मकान किराए पर नहीं मिला, इसीलिए ये सामान भी साथ लेकर आई हूँ। ये बात सुन के राघव को बहुत बुरा लगता है, वो उससे कहता है, जब तक कोई मकान नहीं मिलता तब तक तुम यही रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? अरे भाई बोलती हो और एहसान की बात करती हो। राधा अपना सामान दुकान के एक कोने में रखकर अपना काम शुरू कर देती है। वो पूरे दुकान की साफ सफाई कर देती है और फिर बर्तन मांजना शुरू करती है। वहाँ बेटा सूरज भी दुकान में बैठकर राघव की छोटी मोटी मदद कर देता है। ये सब देखकर राघव बहुत खुश हो जाता है। अब इसी तरह हर रोज राधा और सूरज राघव की दुकान में मन लगाकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में राधा ने अपने लिए एक किराए का मकान भी ढूंढ लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राघव ने राधा के काम से बहुत खुश होकर उससे कहा, बहन
तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे घर में काम करो। तुम्हारी तनख्वाह 5,000 रुपए होगी। धन्यवाद भाई साहब। राघव उसे अपने बंगले का पता देता है। अगले दिन राधा और सूरज उस पते पर बताए हुए बंगले में जाते हैं। वहाँ उन्हें राघव की पत्नी सोनिया मिलती है। जी क्या चाहिए आपको? जी हमें राघव भाई साहब ने यहाँ भेजा है आपके यहाँ काम करने के लिए। अच्छा तो आप वो हो, मुझे इन्होंने बताया था, मगर इस घर में काम करना है तो मेरी शर्तें तुमको मंजूर करनी पड़ेगी। जी मालकिन, आप जैसा कहोगी वैसा ही काम होगा। देखो मेरा बेटा विकी है, किसी ने उसकी चीजों को हाथ लगाया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम्हारे बेटे को बता देना कि उसके कमरे में ना जाए, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जी मालकिन, जैसा आप कहे, मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, आप चिंता मत कीजिए। अब ऐसे ही एक दिन सूरज को विकी के खिलौनों में से एक गाड़ी बहुत पसंद आती है और वो उसे लेकर खेलने लगता है। ये देखकर सोनिया उस पर चिल्लाती है, रखो वहाँ, तुम्हें हाथ लगाने के लिए किसने कहा? राधा। उसकी चीख सुनकर राधा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मालकिन? तुम्हें पता है ना विकी के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। मालकिन गलती हो गई होगी, मालकिन छोटा समझकर माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर राधा की आंखों में पानी आ जाता है। हाँ ठीक है, मगर आज के बाद विक्की के किसी भी सामान को सूरज ने छूना नहीं चाहिए। जी मालकिन, मैं याद रखूंगी और उसको भी समझा दूंगी। सोनिया वहां से चली जाती है और राधा अपने बेटे को समझाने लगती है। सूरज तुम्हें बताया था ना कि विक्की की चीजों को हाथ नहीं लगाना, फिर तुमने उसकी गाड़ी को हाथ क्यों लगाया? माँ मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद आई, इसलिए मैं उसे उठाकर देख रहा था। बेटा आज के बाद विक्की की चीजों को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? हाँ माँ, नहीं लगाऊंगा। ऐसे ही एक दिन राधा सब्जियां लाने के लिए बाजार गई थी और सोनिया भी बैंक का कुछ काम होने की वजह से घर से बाहर थी। घर में सिर्फ विकी और सूरज ही थे। विकी अपने कमरे में खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल घर में एक जगह ऊपर अटक गई और उस बॉल को निकालने के लिए विकी ने एक कुर्सी ली और उस पर चढ़ गया। उस बॉल को निकालते निकालते अचानक उसका पैर फिसल गया और वो उस कुर्सी से नीचे गिर गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। उसकी आवाज सुनकर सूरज वहां आया और उसने देखा कि विकी बेहोश हो गया है। उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। वो मदद ढूंढने के लिए तुरंत घर के बाहर निकला। वहां उसे एक आदमी दिखाई दिया और सूरज उससे मदद मांगने लगा। चाचा चाचा, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ बेटा, मगर क्या हुआ है बताओगे? सूरज सारी बात उस आदमी को बता देता है और उसकी मदद मांगता है। अब वो आदमी सूरज के साथ घर में चला जाता है। वो विकी के पिताजी को फोन करके सब बता देता है और तुरंत विकी को अस्पताल में लेकर जाता है। कुछ देर बाद सोनिया घर आकर देखती है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो अपने पति को फोन करती है, तब उसे पता चलता है कि विकी नीचे गिरकर बेहोश हो गया था और उसे अस्पताल लेकर गए हैं। तभी राधा वहां आती है। मालकिन क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो? अरे विक्की कुर्सी से नीचे गिरकर बेहोश पड़ गया है और उसे अब अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। कुछ नहीं होगा विक्की को, चलो हम अस्पताल जाकर देखते हैं। ऐसा बोलकर सोनिया और राधा अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद सोनिया रोने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां आते हैं। डॉक्टर, कैसी है विक्की की तबीयत? उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, मगर समय में अस्पताल में लाने की वजह से बहुत बड़ा खतरा टल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद मेरा नहीं, इस आदमी का कीजिए जो समय रहते इसको यहाँ पर लेकर आया। जी डॉक्टर, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। अरे भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है इस बच्चे ने किया है। इसी ने मुझे बुलाकर अस्पताल में लेकर जाने के लिए कहा। अगर इसने समय पर कुछ नहीं किया होता तो न जाने आज क्या हो जाता। इसके तेज दिमाग की वजह से ही आपका बच्चा बच पाया। आप सही कह रहे हो बेटा सूरज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा ये तो मेरा दोस्त है ना, मैंने अपने दोस्त के लिए सब किया। राधा आज से तुम हमारे घर की सदस्य हो, हमारे ही घर में रहोगी, समझी? सच में मालकिन? हाँ, मुझे ऐसे प्यार करने वाली बहन और बेटा हमेशा के लिए चाहिए। और इस तरह से अब राधा और सूरज राघव के परिवार का एक हिस्सा बनकर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर व्यक्ति की कदर करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब।